हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इस बार की जो रिक्रूटमेंट आया है, क्लार्क के पदों में रिक्रूटमेंट के पोजीशन निकल के आया है, एप्लीकेशन कर सकते हो। जो क्लार्क के रिक्रूटमेंट आया है, यहाँ पे बताया है पंजाब सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आया है, पंजाब गवर्नमेंट के। इसके बारे में सारे जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मौका है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग आपका जो एप्लीकेशन है आप लोग सबमिट कर सकते हो। तो चलिए और देरी ना करके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में और भी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे 160 पोस्ट जो है टोटल अवेलेबल हुआ है, जो अवेलेबल हुआ है, जिसके लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए एक बहुत बड़ी जो है अपडेट दिया जा रहा है, जहाँ पे आप लोग आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 18 ईयर से 37 ईयर्स तक आप लोगों का जो एप्लीकेशन है, आप लोगों का एज लिमिट रखा है। क्लार्क एंड ग्रुप सी के जो पोस्ट है, यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे क्लियरली बताया है, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपको ssb.punjab.in पे जाके आपको एप्लीकेशन भेजना है। रिटर्न एग्ज़ाम के ऊपर बेस करके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो पहले तो आप लोगों को जो है एप्लीकेशन करना है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे क्लियरली बताया है। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर 40%। अगर आपके पास 40% मार्क्स है, तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, मतलब अगर आप सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए जो ऑफिशियल लिंक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। एप्लीकेशन करने के लिए जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि SC ST EWS के लिए 250 रुपीज़, एक सर्विसमैन के लिए 200 रुपीज़, हैंडीकैप के लिए 500 रुपीज़, जनरल कास्ट के लिए 1000 रुपीज़ तक आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, लिंक जो दिया जा रहा है, लिंक आपको जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल लिंक में क्या बताया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देन आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन में देख सकते हो, क्लार्क के जो है अपडेट दिया जा रहा है। लास्ट डेट जो है इसको एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर 2021 तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को बताऊँगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करने के बाद ही आप लोगों को सारे जानकारी मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म भी मिल जाएगा, जिस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म को पूरा डिटेल दिया जाएगा। यहाँ से आपको फॉर्म को क्लिक करना है, एंड देन आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन आपका भेज सकते हो। इसके बाद आपका फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है, उसके बाद आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप है वो सबमिट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट देख रहे हो, नीचे जाके लिंक को क्लिक कीजिए, उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ के आंसर मिल जाएगा। वीडियो को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।